एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अनुज किचन व्लॉग्स। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ दूध और ब्रेड से रस मलाई बनाना। जी हाँ, तो सबसे पहले मैंने दूध को बॉईल किया, उसके अंदर डाले कुछ केसर के दाने, और ये मेरा 1.5 किलो दूध था, 1.5 किलो दूध था जिसको मैंने बॉईल किया था भगोने में, और उसको केसर डाल दिया अच्छे से और उसको हिला दिया। और ये केसर मेरी एम डी एच की है, और ये बहुत अच्छी रहती है, आप लोग इसे ट्राई कर सकते हो। और उसके बाद मैंने इसको कढ़ाई में डाल लिया था, क्योंकि मुझे ना इसको थोड़ा सा गाढ़ा करना था, ये देखिए। और इसके अंदर मैंने डाला था थोड़ा सा मावा, क्योंकि इसको गाढ़ा करना था। तो कुछ लोग इसमें मावे की जगह दूध भी डाल देते हैं, जो सूखा दूध आता है पाउडर दूध का, तो मैंने मावा डाल दिया था। और उसके बाद इसमें डाल दी थी चीनी, और देखिए कितना गाढ़ा हो चुका है मेरा। और ये देखिए, इसको मैंने फ्रिज में रख दिया था, तो ये गाढ़ा हो गया था। जो मेरा दूध था ना, थोड़ा सा बचा था मेरे पास, 1.5 किलो में से थोड़ा सा मैंने निकाल लिया था अलग, तो वो मैंने इसके अंदर मिक्स करके इसको पतला कर लिया। और मावा आप डालकर ट्राई जरूर करना, बहुत टेस्टी लगती है मावे से ये, तो इसे ट्राई जरूर करके देखना। और बिल्कुल ना बाजार जैसा टेस्ट आ रहा था इसमें, बहुत टेस्टी लग रहा था, तो आप लोग इसे ट्राई जरूर करके देखना एक बार मेरे कहने से। बच्चों ने ये ना खूब जमकर खाई थी कल, बहुत ही टेस्टी लगी थी। और इधर मैंने लिए कुछ ड्राई फ्रूट्स, तो इसमें मैंने काजू और बादाम लिए थे, और काजू बादाम लेकर इनको मैंने ग्राइंड कर लिया था, और मिक्सी में ग्राइंड किया था मैंने इनको। ये देखिए पाउडर बना लिया था थोड़ा दरदरा वाला, मोटा मोटा सा। और इधर लिया मैंने ब्रेड, और ब्रेड का ये देखिए पीसीस निकाले मैंने इनको ना, ग्लास से कट किया था थोड़ा सा छोटे छोटे राउंड राउंड शेप में इस तरह से, तो ऐसे ही कट करना है आपको। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें विद बेल बटन, जिससे मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और आगे आपके लिए क्या वीडियो लेकर आऊँ, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जो बताइएगा। और अभी मैं इसको करूँगी सर्व। तो देखिए, मैंने एक बाउल में रखा है एक ब्रेड का पीस, और उसके ऊपर डाला है थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स, जो मैंने काजू और बादाम का पेस्ट बनाया था ना थोड़ा सा, और उसके बाद मैं इससे ना स्पून से इसके ऊपर डाल दूँगी। और ये देखिए, ये मैंने कर दी है। और इसी तरह से मैं इसको अभी आपको चम्मच से भी कट करके दिखाऊंगी। बहुत टेस्टी लगी थी, बिल्कुल बाजार जैसी लगी थी, कोई फ़र्क नहीं दिखाई देगा आपको बाजार की में और इस वाली रसमलाई में। आप इसे एक बार जरूर ट्राई करके देखें घर पे, और बहुत ही जल्दी से बन गई थी, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा था इसे बनाने में, रेडी टू ईट है। इस बार होली पर आप इसे सर्व कर सकते हो अपने गेस्ट को, और इस बार होली पर मैं इसे बनाने वाली हूँ, क्योंकि ये यम्मी यम्मी रेसिपी है ना, तो मीठा खाने का मन तो करता ही है, होली पर बनता है सबके घर में। तो इस बार होली पर बनाइए कुछ अलग सी डिश, अलग सी टेस्टी सी डिश।